गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के सेशन में। आज 10 अप्रैल 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आज हमें बातचीत करनी है। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि द हिंदू में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। द हिंदू में देखिए, पहला आर्टिकल तो एकदम से पॉलिटिकल आर्टिकल है, जहां पे महाराष्ट्र में जो महागठबंधन अभी बना हुआ है विद द नेम इंडिया, उन्होंने अपनी सीट्स का बंटवारा कर लिया है। उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना फैक्शन है उन्हें 21 सीट्स मिली हैं और 17 सीट्स कांग्रेस को, जबकि एनसीपी को 10 सीट्स मिली हैं। कांग्रेस ने दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर अपना जो क्लेम है उसे छोड़ दिया, ताकि वो अलायंस स्ट्रांग रख सकें, और मेन गोल बीजेपी को हराना है, इसीलिए डिफरेंसेस को किनारे रखना होगा, इस बारे में बातचीत हुई। तो ये आपके लिए इतना खास आर्टिकल नहीं है, बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते और जानते रहिए। यहाँ पर देखिए, उसके बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा रहे थे, जिनको हाल फिलहाल में अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बट वहां पर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि 3 साल से अगर कोई नई कंपनी है, मतलब उसका अगर वो 3 साल पुरानी भी नहीं है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकती, और अगर ऐसा किया जाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसके बावजूद 20 ऐसी फर्म्स रही जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और ऐसा करते हुए उन्होंने 103 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि ये 20 कंपनीज 3 साल से कम पुरानी थी। जब इन कंपनीज ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा, तो इनमें से 5 फर्म्स तो ऐसी थी जो 1 साल से भी कम समय पहले ही बनी हुई थी, 7 ऐसी थी जो केवल 1 साल पुरानी थी, और 8 ऐसी थी जो मुश्किल से 2 साल पुरानी थी, और 20 में से ये जो 12 कंपनीज थी ये हैदराबाद में ही हेडक्वार्टर थी। इन कंपनीज ने 37.5 करोड़ रुपीज का चंदा दिया, और जो भी चंदा आया उनमें से 75% चंदा एक कंपनी को, एक पार्टी को गया, एंड दैट वाज बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जबकि बाकी कुछ हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी को गया, कुछ कांग्रेस को, कुछ बीजेपी को। और यहां पर देखिए कि जो बैन है फर्म्स के ऊपर कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते जब तक कि वो कम से कम 3 साल से ऑपरेट ना कर रहे हों, इसके प्रोविजंस हमें सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में मिल जाएंगे। जब फाइनेंस एक्ट 2017 में सेक्शन 154 ऐड किया गया, और जो सेक्शन 182 था 2013 के कानून का, उसको अमेंड कर दिया गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, तो अमेंडमेंट ने जो पहला प्रोविजन था वो तो डिलीट कर दिया, ठीक है कि चलो 3 साल से भी अगर आप कम भी पुराने हो तब भी आप कर सकते हो डोनेट, लेकिन फिर भी आपका जो पिछले 3 साल का एवरेज है नेटवर्थ का वो 7.5% होना चाहिए, ठीक है, और आपका डोनेशन जो है वो उसके ऊपर नहीं हो सकता, आपका जो भी नेट प्रॉफिट है आप उसका 7.5% से ज्यादा नहीं डोनेट कर सकते। तो इट सिंपली मीन्स कि आप कम से कम 3 साल से एग्जिस्टेंस में हो, और आपको अपना प्रॉफिट दिखाना होगा, और उस प्रॉफिट से आप 7.5% ज्यादा डोनेट नहीं कर पाओगे। तो इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है इन कंपनीज के द्वारा, ये पूरा मामला यहां पर देखा जा रहा है। लास्ट में बिल्कुल वही है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी भी तिहाड़ जेल में ही हैं, उन्हें बेल नहीं मिली है। रीजन बीइंग दे वर नॉट मेकिंग प्ली फॉर द बेल, रादर वो ईडी का जो अरेस्ट है उसे चैलेंज करने के लिए पेटिशन डाले हुए थे कि जो ईडी का अरेस्ट है वो इलीगल है, और जो अरेस्ट की टाइमिंग है वो इलेक्शन के पहले है, तो इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के पर्पज से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी तल्ख रवैया अपनाया, उन्होंने बोला कि यू नीड टू प्ली फॉर द बेल एंड नॉट फॉर चैलेंजिंग ईडी अरेस्ट, उनके पास ग्राउंड्स हैं अरेस्ट करने के इनफ। तो अभी देखिए, हो सकता है ये पार्टी जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। खैर, ये सारी बातें हमें द हिंदू में देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हमें पोलिटिकल आर्टिकल ही देखने को मिलते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आगे की सिचुएशन ऐसी ही बनी रहे, चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो पोलिटिकल आर्टिकल्स हमें ज्यादा भी देखने को मिलेंगे। खैर, हम अपने आर्टिकल्स की ओर चलते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21, जिसे कहा जाता है अम्ब्रेला आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे राइट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से एसोसिएटेड आर्टिकल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब भी कोई
नया क्लॉज, कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड करना होता है तो आर्टिकल 21 का ही सहारा लेते हैं और आर्टिकल 21 में उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस हिस्टोरिकल जजमेंट में उन्होंने आर्टिकल 14 और 21 के विदिन एक बहुत ही यूनिक सा राइट ऐड कर दिया है जो अब से आपका फंडामेंटल राइट होगा। एंड दैट राइट इज राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है लोगों की लाइफ के ऊपर, किसानों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इससे बचें, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इट सिंपली मीन्स गवर्नमेंट को इस बात के प्रावधान करने होंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ को बेकार ना करे। सुप्रीम कोर्ट एक मामला सुन रहा था जिसका टाइटल था एम के रंजीशन वर्सेस एंड ओ आर एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंडियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक्चुअली में ये जो एम के रंजीत सिंह जी का केस था ये दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए था। और ये दो की दोनों बर्ड्स IUCN की रेड लिस्ट में हैं, जिसमें से एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हम इनके बारे में अक्सर बात करते हैं, और दूसरा है लेसर फ्लोरिकन। इन दोनों बर्ड्स को बचाने के पर्पज से ये प्ली रखी गई थी। दोनों ही जो पार्ट 3 है शेड्यूल 1 ऑफ WPA दैट इज WLA या WPA भी हम लोग बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, दोनों के ही तहत इसमें उनको प्रोटेक्शन दी गई है, दोनों बर्ड्स को प्रोटेक्शन दी गई है। तो इसी के मामले में ये पूरी प्ली थी जो हाई कोर्ट के पास गई हुई थी और हाई कोर्ट ने इसी की सुनवाई करते वक्त इसको थोड़ा और ब्रॉडली लिया और ब्रॉडली लेते हुए यहां पर इसमें जजमेंट पास करते हुए राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। अब एक मामला आता है आर्टिकल 21 का, तो आर्टिकल 21 में तो आप इसको रख सकते हो बिकॉज अगर आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ खतरे में रहे, तो आर्टिकल 21 का हिस्सा तो ये बड़े आराम से ही बन जाता है। अब मामला ये है कि हाउ इज इट पार्ट ऑफ आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 14 का हिस्सा कैसे बन रहा है। देखो, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, वो इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर पानी खत्म हो रहा है तो जो अमीर इंसान है, जो बचा हुआ थोड़ा बहुत पानी है, वो उसे खरीद के पी लेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, अगर उसे नेचुरली पानी अवेलेबल नहीं है तो वो खरीदेगा कैसे। एग्रीकल्चर के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ा और इन्फ्लेशन बढ़ा तो जो अमीर आदमी है वो तो इन्फ्लेशन मैनेज कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से अनाज खरीदेगा। सिंपली अगर हीट इफेक्ट बढ़ने लग गया तो जो अमीर आदमी है वो तो एसी में रह लेगा, वो गरीब आदमी तो उस हीट के इफेक्ट को झेलेगा ना, वो बीमार होगा, वो मरेगा। तो ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक व्यक्ति को इसलिए बियर करने होंगे क्योंकि वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि बाकी के लोग। तो यहां पर इनइक्विलिटी की सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति गरीब है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ज्यादा बियर करे और जो अमीर है वो उसको आराम से मैनेज कर ले, ये तो इनइक्वलिटी क्रिएट करने वाली बात हुई ना। तो आर्टिकल 14, जिसका ओवरऑल एसेंस इनइक्वलिटी को खत्म या मैनेज करना है, ये उसका भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये उसका भी पार्ट बन जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पेटिशन काफी पुरानी थी एक्टिविस्ट एम के राजनाथ सिंह रंजीत सिंह की, और सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशन गई वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के पर्पज से थी। अप्रैल 2021 में कोर्ट ने जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो जो बड़े बड़े हाई टेंशन के तार जाते हैं ना, उनसे टकरा कर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत हो जाती है। इसके दो कारण हैं, एक तो ये पक्षी बड़ा भारी होता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ नहीं पाता, दूसरा इसकी नजरें होती हैं कमजोर, तो जब तक, अब वो पतले पतले तार उनको दिखते नहीं है, जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है ना कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सामने कोई तार है बिजली का, तब तक वो इतना नजदीक पहुंच चुके होते हैं कि वो अपना कोर्स चेंज नहीं कर पाते और सीधा जाकर उस हाई टेंशन के तार से टकरा जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। और इसी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या बहुत तेजी से गिरी है, वो 150-200 के आसपास ही बचे हैं, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये जो हाई टेंशन के तार लेके जाते हो ना हवा में लटकाते हो, इसको हटाओ, सब जमीन के अंदर रखो। अब ये हुआ कि क्या इस तरीके की हाई वोल्टेज लाइन को हम जमीन के अंदर लेके जा सकते हैं, तो एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया था, उनको बोला गया था कि आप ये इवेल्युएट करो कि क्या जमीन के अंदर इतने हाई वोल्टेज तार आप ले जा सकते हो। लो वोल्टेज पावर लाइन को बिछाने की भी बात की गई,
उस एरिया में जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं। ब्रॉड बर्ड डाइवर्टर्स लगाने की बात की गई। पहली बात तो आप हर जगह पे जो तार है उसे अंडरग्राउंड लेकर जाओ। जहां पर आप उस तार को अंडरग्राउंड नहीं लेकर जा पाए हो वहां पर हाई टेंशन वायर्स में आप बर्ड डाइवर्टर्स लगाओ। बर्ड डाइवर्टर्स क्या होते हैं बेटा, देखो तारों में ना इस तरीके से एक ऐसे सिंबल लटका दिया जाता है, जैसे आप लोग रात में ट्रेवल करते हो तो जगह जगह पे सड़क पे लगा होता है ना सिंबल, उच्च चमकता रहता है व्हीकल्स में, पीछे एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है जो चमकती रहती है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके के डाइवर्टर्स लगाए जाते हैं, ये रेड कलर के होते हैं और ये चमकते रहते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना इनको दूर से ही देख लेता है तो उसको समझ में आ जाता है कि उधर कुछ तो है, तो वो रास्ता बदल देता है। तार उनको नहीं दिखता लेकिन ये डाइवर्टर जो चमकता है वो उनको दिख जाता है। तो जहां कहीं पर भी अभी भी आपने ये तार बिछाए हुए हाई टेंशन वाले, तो आप इनमें ये डाइवर्टर्स लगाओ ताकि वो कम से कम अपना रास्ता तो बदल ही ले। यूनियन गवर्नमेंट ने कंसर्न रेज किया था कि राजस्थान की सरकार रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव के लिए काम नहीं कर रही है। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के लिए काम करेंगे, इनिशिएटिव्स में काम करेंगे, तो फिर ये हाई टेंशन वायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिसाइड किया गया था। बाद में वहां की सरकार ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे कोर्ट ने रिकॉल किया था इस अर्लियर ऑर्डर को। ठीक है, अप्रैल 2024 में कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हुए ये बोला कि जीआईबी कंजर्वेशन एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, वहां लोग जो भी मेजर्स हैं वो अप किए जाए। एक्सपर्ट की कमेटी फॉर्म की गई थी जीआईबी कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। जीआईबी मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कमेटी में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के मेंबर्स थे, पावर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ब्यूरोक्रेट्स थे। कमेटी को बोला गया था कि आप जुलाई 31 तक अपना सजेशन दो। तो ये तो पूरा मामला रहा कि आपको एक नया फंडामेंटल राइट मिला है, दैट इज अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, एंड दैट टू कि आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचे। ठीक है, खैर हमारा जो अगला आर्टिकल है वो यूपी के मदरसा लॉ के बारे में है, जिसे हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को इसके ऊपर, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया, ये बोलते हुए कि कानून को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट आया था 2004 में, उसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ही दिया था, ये जो कानून है इसका काम था उत्तर प्रदेश में जो मदरसा एजुकेशन है उसे रेगुलेट करना, प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक एजुकेशन इम्पार्ट करना मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उसका बेसिस ये था कि एक्ट की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर डाउट रेज किया गया था मोहम्मद जावेद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। मोहम्मद जावेद जो थे वो पार्ट टाइम मदरसा टीचर हुआ करते थे। उन्होंने केस फाइल किया था, उनका ये कहना था कि उन्हें उनकी जॉब को परमानेंट बनाया जाए। उन्हें 4,000 रुपए की सैलरी मिलती थी मदरसा में पढ़ाने को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू ऑपरेट हो रहा है और ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए जितनी की बाकी के टीचर्स को मिलती है। तो यहां पर हाई कोर्ट के पास मामला गया और हाई कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए ये बोला कि लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने इस कानून को ही रद्द कर दिया और जब ये कानून रद्द हो गया तो फिर धीमे धीमे कई सारे मदरसे बंद भी हो गए। पीआईएल जो फाइल की गई थी उसमें यही बोला गया था। उसके बाद एक पीआईएल फाइल की गई, बोला गया कि एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है दैट मस्ट बी चेक, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को वायलेट करता है। ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये सेक्युलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है और राइट टू एजुकेशन में सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सके उसे भी रोकता है, तो उन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आर्ग्यूमेंट रखे गए, जो सीनियर एडवोकेट्स थे उन्होंने बोला कि मदरसा टीचर्स जो को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा और कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये एक्ट रेगुलेटरी नेचर का है, ये केवल रेगुलेट करता है, बाकी तो मदरसा अपने हिसाब से काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया कि स्टेट इस तरीके से तो रिलीजियस मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने लिए मदरसा स्टैब्लिश करके बच्चों को पढ़ा रही है, क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन क्या रहा, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और कहा कि एक्ट के प्रोविजंस को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 28 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एजुकेशन अवेल करने का राइट है, चूंकि कानून रेगुलेटरी नेचर का है तो डायरेक्टिव्स दिए जा सकते हैं कि मदरसा एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ना कि कानून को ही रद्द कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट को
क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने जबरदस्ती ये बोला कि मदरसा के बच्चों को आप रेगुलर स्कूल्स में भेजो, इससे बच्चों के फ्यूचर को स्टेक पर लगाया गया। यहां पर हम देखते हैं कि जो शेड्यूल्ड फाइनल आर्ग्यूमेंट है उसके लिए बातचीत जुलाई में होगी और वहां पर ये फाइनल फैसला लिया जाएगा कि ये मदरसा के लिए कानून बना रहेगा या इसके लिए कुछ और प्रोविजंस किए जाएंगे। तो ये तो मदरसा लॉ के बारे में ये सारी बातें हो गई। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो भद्रचला रामदासु के बारे में है। रामनवमी के मुद्दे पर ये बहुत ही समय है कि अच्छा समय है कि हम भद्रचलम के बारे में बातचीत करें और वहां पे जो भक्त रामदास थे उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाए, इस बारे में आर्टिकल आया था, चर्चा करते हैं। भद्रचला रामदासु। भद्रचलम में लोकेटेड एक राम भक्त, भद्रचलम इज अ लोकेशन इन आंध्र प्रदेश, तो वहां पर रामदासु जो हुआ करते थे उन्हीं के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। चूंकि वो भद्रचलम से बिलोंग करते थे तो उन्हें भद्रचला रामदासु कह दिया जाता है। उन्हें लोग कंचरला गोपन्ना भी कहा करते थे। 17th सेंचुरी के भगवान राम के एक डिवोटी थे। कई सारे सॉन्ग्स और सॉन्ग्स वगैरह उन्होंने लिखे जिनका कर्नाटिक म्यूजिक में बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया। कर्नाटिक म्यूजिक में उन्हें काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन दी जाती है। अर्ली 17th सेंचुरी में वो एरिस्टोक्रेटिक कंचरला फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब गरीब आदमी नहीं थे, अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। गोपन्ना जी जो थे वो गोलकुंडा की सल्तनत में काफी इन्फ्लुएंस रखते थे। उन्हें पलावांचा में तहसीलदार के पद पर बिठाया गया था और बाद में वो भद्रचला रामदासु जी जो हैं उस नाम से जाने जाते हैं। श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल जो भद्रचलम में है आंध्र प्रदेश में, वो बनवाने में उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अब देखिए, त्यागराज एक बहुत ही रिनोन कर्नाटिक म्यूजिक कंपोजर थे, वो भी रामदासु जी को सुपीरियर मानते हैं और अपने कंपोजिशन में रामदासु के डिवोशन का जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से रामदासु डिवोटी हैं भगवान राम के, वैसे ही बाकी लोगों को भी भगवान राम का डिवोटी होना चाहिए। रामदासु जी के जो कंपोजिशंस हैं वो कर्नाटिक म्यूजिक को इम्पैक्ट करते हैं और इसी वजह से देखो वैसे तो उनकी कई सारी जो थीम्स हैं वो खो गई हैं, फिर भी उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। भद्रचलम में एक भगवान राम को डेडिकेटेड मंदिर पहले से था लेकिन वो एकदम से बेकार हालत में चला गया था। तो पोकला दमक्का जो कि एक फॉलोअर थे, डिवोटी थे, उन्होंने उनको एक मूर्ति मिल गई जमीन के अंदर, तो उन्होंने गोपन्ना जी से मदद मांगी, कहा कि इस मंदिर को वापस से बनाते हैं। गोपन्ना जी ने इस मंदिर को बनवाने का काम पहले तो अपने पर्सनल फंड से करना शुरू किया लेकिन इतने पैसे बन नहीं पा रहे थे कि मंदिर को अच्छे से बनाया जा सके। तो बाद में चूंकि वो तहसीलदार की पोस्ट पे थे तो वहां से उन्होंने कुछ पैसे निकाल के मंदिर में लगाने शुरू कर दिए। जब ये बात बाहर निकली तो उन्हें जेल में डाल दिया गया इस आरोप में कि उन्होंने स्टेट फंड को डाइवर्ट किया है और इसके आरोप में वो 12 सालों तक जेल में रहे। कहानियों के मुताबिक भगवान राम और लक्ष्मण ने उनके डेट को सेटल कर दिया था और बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया। बाकी की पूरी लाइफ रामदासु जी भद्रचलम में ही भगवान राम की सेवा में बिता देते हैं। अब उनकी कॉम्पोजिशन या कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो रामदासु के कॉम्पोजिशन बहुत ही कम नंबर्स में है, कई सारे तो खो गए हैं, लेकिन उसमें फिर भी लिरिकल ब्यूटी और भगवान राम को लेकर जो डिवोशन है उसकी डेप्थ देखने को मिलती है। उनके सॉन्ग्स जो हैं वो डिवोशन और स्पिरिचुअल इंक्वायरी के कई सारे जो फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में काफी सिग्निफिकेंट है। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, दैट इज नानू ब्रूमावनी चेपावे, जहां पर वो मासीता से अपील करते हैं कि वो भगवान राम से उनकी तरफ से बात करें, ठीक है, उनकी हिमायत करें। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन में उनका एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है रामदासु जी का, उन्होंने दशरथी सता कामो लिखा हुआ है, पोएम का कलेक्शन है, भगवान राम को डेडिकेटेड है। वो दिखाता है कि लिटरेचर में उनकी कितनी अच्छी होल्ड थी। रामदासु जी का जो डिवोशन है, म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो डिवोटीज को, म्यूजिशियंस को आज भी इंस्पायर करता है। कर्नाटिक म्यूजिक और रिलीजियस डिस्कोर्स जो साउथ इंडिया का है वहां पर जो उनकी छाप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा अगला आर्टिकल सी डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में है। आयरन डोम सुना है क्या, जिसका इस्तेमाल इसराइल करता है जो भी मिसाइल अटैक्स उनके ऊपर होते हैं उनसे बचने के लिए, उसी का समंदर का वर्जन है। इसराइल की सरकार ने पहली बार यहां पर इसराइल की सरकार ने पहली बार शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है, एंड दैट इज सीडोम। सीडोम किसी भी सस्पिशियस टारगेट को समंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। सीडोम नेवल वर्जन है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, मतलब कि एक कैनिस्टराइज वेपन सिस्टम, अगर कोई अटैक करती है मिसाइल्स तो यहां से खूब सारी मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगी और वो उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। देखिए, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है रॉकेट या मिसाइल्स के
अटैक से बचाने के लिए जो समंदर की ओर से आ रहे हैं। इसे सार सिक्स क्लास कॉर्वेट, जो जर्मन मेड वॉरशिप है जो इसराइल इस्तेमाल करता है वहां पर उसे माउंट किया गया है। इसमें एक इंटरसेप्टर होता है, आयरन डोम की तरह इंटरसेप्टर जो होता है वो मिसाइल्स को हिट करता है, काउंटर अटैक करता है। बहुत ही रोबस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है ये। वेसल सर्विलांस रडार भी लगाया गया है जो पता करता है कि अच्छा मिसाइल का अटैक हो रहा है, अब हमें बचना होगा। तामीर इंटरसेप्टर इसमें लगाया गया है, काफी एडवांस है ये, हाई स्किल प्रोबेबिलिटी रखता है, वाइड रेंज ऑफ टारगेट्स इसके पास अटैक करने की कैपेबिलिटी होती है। जो इंटरसेप्टर होता है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, मतलब काफी एडवांस है। और जो बहुत अच्छी मैनेवरेबिलिटी वाले टारगेट्स होते हैं ना, मतलब कि रास्ता बहुत आसानी से बदल देते हैं, ये उनको भी पकड़ के मार देता है। पावरफुल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है इसके पास, वॉरहेड्स हैं, बड़े आराम से ये रीच कर सकता है अटैकिंग मिसाइल के ऊपर, और इसीलिए ये इसराइल के डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस भी कर देता है। हमारा अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में है। चलो वो तो इसराइल की बात हो रही थी, आओ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को भी तो ऐसे खतरे हो सकते हैं ना कि अचानक से कोई फाइटर जेट आ जाए, कोई ड्रोन आ जाए, कोई मिसाइल आ जाए जो इंडिया को अटैक कर दे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कई सारी काउंटर मिसाइल्स हैं जिन, और एयरक्राफ्ट हमारे अपने खुद के भी हैं जिनसे हम काउंटर अटैक करके इन सभी लोगों को मार के भगा सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई ड्रोन आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने, कोई मिसाइल आ रही है, या फिर कोई फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस में घुस आया है? इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क चाहिए। अब वो डिजिटल नेटवर्क हमें कहां से मिलेगा, वो डिजिटल नेटवर्क हमें कहां से मिलेगा? इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था विद द नेम आकाश तीर। आकाश तीर रडार्स और डिटेक्शन मैकेनिज्म्स का एक पूरा सेटअप है जो सर्विलांस करता है हमारे एयर स्पेस का और देखता है कि क्या यहां पर कुछ गड़बड़ी है क्या, और अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है हमारे स्पेस में जो हमारे लिए खतरा है तो ये आगाह कर देगा सभी एजेंसीज को कि भैया तैयार हो जाओ, काउंटर अटैक करो। इंडियन आर्मी ने अभी हाल फिलहाल में आकाश तीर नाम का ये जो डिजिटल सिस्टम है इसे इनकॉर्पोरेट कर लिया है इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज में। इंडियन आर्मी ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन नाम दिया है। कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ लिए जा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ये ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस मैकेनिज्म है जहां पर कई सारे रडार्स का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है अपने आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए। ये हॉस्टाइल टारगेट को डिटेक्ट करेंगे, उनके रिस्क को कम करेंगे, और फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को भेज कर जो हमारे अपने हैं या फ्रेंडली एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने का सारा काम यही करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि मोबाइल व्हीकल बेस्ड कंट्रोल सेंटर इसमें लगाए जाएंगे जो जगह जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां से ये हमारे एयर स्पेस को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। सिस्टम में ऑटोमेटेड एयर डिफेंस ऑपरेशन कैपेबिलिटी होगी, ये तुरंत ही आगाह कर देंगे ताकि हम अपने एयर स्पेस को बचा सकें। चलिए हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो पीस क्लॉज WTO का जो है उसके बेसिस पर है। इंडिया ने WTO के पीस क्लॉज का हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया क्योंकि 2022-23 में हमने एक बार फिर से WTO की जो लिमिट है उससे ज्यादा सब्सिडी फार्मर्स को दे दी, और जब ऐसा होता है तो हमें एक स्पेशल रियायत लेनी पड़ती है WTO से। उस रियायत को कहा जाता है पीस क्लॉज। पीस क्लॉज कहा जाता है, नाराज मत हो भाई, शांत हो जाओ, क्या हो गया अगर हमने थोड़ा सा ज्यादा सब्सिडी अपने फार्मर्स को दे दी तो। देखिए जो मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट है वो है 10% की, ठीक है। आपके यहाँ जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है ना, सपोज करो कि आपके यहाँ 100 रुपए का अनाज हुआ है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 10 रुपए की सब्सिडी अपने किसानों को दे सकते हो। हमने क्या किया, हमने 12 रुपए की सब्सिडी दे दी। WTO के नॉर्म्स ब्रीच हो गए क्योंकि आप 12 रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते, आप तो केवल 10 रुपए की सब्सिडी ही दे सकते हो। तब हमें WTO जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, देखो भाई साहब आपने एक स्पेशल क्लॉज बनाया था कि अगर कोई कंट्री ब्रीच कर देती है आपकी 10% वाली लिमिट तो फिर वो पीस क्लॉज का नाम ले सकती है कि भाई पीस क्लॉज है ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के राइस प्रोडक्शन की वैल्यू 2022-23 में रही 52.8 बिलियन डॉलर। इस लिहाज से सब्सिडी हम मैक्सिमम दे सकते थे 6 पॉइंट, लेकिन फार्मर्स ने देखो मतलब हम 5 या थोड़ा सा उससे ज्यादा बिलियन डॉलर के आसपास सब्सिडी दे सकते थे। हमने सब्सिडी दी 6.39 बिलियन डॉलर की। इट सिंपली मीन्स कि हम जो 10% सब्सिडी दे सकते थे डोमेस्टिक सपोर्ट फार्मर्स को, हमने दे दिया एक्चुअली में 12%। अब ये WTO के नॉर्म्स हो गए ब्रीच,
ऐसे केस में डब्ल्यूटीओ के बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 2013 में हुई थी, वहां पे एक पीस क्लॉस ऐड किया गया था। बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनको कई दफा जरूरत पड़ जाती है किसानों को थोड़ा ज्यादा मदद करने के लिए, तो ये पीस क्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्होंने थोड़ी ज्यादा मदद कर दी है। तो हमने बोला देखो हम पीस क्लॉस का इस्तेमाल करते हैं और हमने थोड़ा ज्यादा सब्सिडी अपने किसानों को दे दी है। इंडिया ने ये भी कंसर्न रेज किया कि आप लोग अभी भी प्राइस 1986-88 पे डिसाइड करते हो, ये तो गलत चीज है ना। मतलब राइस के प्राइसेस क्या है मार्केट में, ये 1986-88 का जो प्राइस था उस पर डिसाइड करेंगे, और सब्सिडी भी उसी पर दे सकते हैं। तो उस समय प्राइसेस कम थे, सब्सिडी देने का कम मौका मिलता है, ये मामला बनता है, तो इस पर कंसर्न रेज किया जाता है। अब पीस क्लॉज देखो 2013 के बाली एग्रीमेंट में तैयार किया गया था ताकि अगर कोई कंट्री जो है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उसने अगर अगर उसने 10% से ज्यादा सब्सिडी दे भी दी तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। बस उसे ये इंश्योर करना होगा कि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है और वो बाली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की सारी जो कंडीशंस उनको मीट करता है। अब कुछ कंट्रोवर्सीज रहती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोलती हैं कि भाई ये तो डेवलपिंग कंट्रीज को अनफेयर एडवांटेज दे रहा है। वो ये भी कहते हैं कि डब्ल्यू टी ओ जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर का वादा करता है और फिर रूल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डाल देता है कि पर्पज ही सर्व नहीं होता। ये भी कहते हैं कि डब्ल्यू टी ओ जो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो ये तो डब्ल्यूटीओ का रहा बवाल। ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे लास्ट सेशन में लानिना एलिनो के बारे में, दो के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये सवाल है आज का, राइट टू प्राइवेसी जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंप्लाई द अबव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्लियरली एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी इन पार्ट 4, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, एंड आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ यहां मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर लो, उधर ही हम पीडीएफ दे देंगे आपको डाउनलोड करने के लिए। हर बार की तरह लास्ट में मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये है मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ रीजन, और यहां पर देखो एक छोटी सी कंट्री है रेड कलर में, यहां मैं देखो मार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसको बताना है आपने कि ये कौन सा देश है। आप बताओ इस कंट्री का नाम और इसकी कैपिटल इन द कमेंट बॉक्स, इसका नाम और कैपिटल कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।